मेष राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, व्यस्तता जरूरत से ज्यादा दिख रही है और इस व्यस्तता में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। धन लाभ के अच्छे योग हालांकि आपके लिए बने हुए हैं। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः का, तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नौकरी के मामले में आपके अनुकूलता रहेगी, नौकरी की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, पारिवारिक मुश्किलें, फैमिली लाइफ की दिक्कतें आपकी हल होंगी, अचानक धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना है। सेहत के मामले में अभी भी लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है, यात्रा में इस समय सावधानी आप बनाए रखिएगा और इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो संतान के सहयोग से आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, कारोबार के मामले में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी गरीब आदमी को अगर आप खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, काम काफी ज्यादा रहेगा, हालांकि इससे लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यह संभावना भी आपके लिए बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं यात्राओं के मामले में, लेकिन इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। खाने की वस्तु का, खाने पीने की चीज का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका चांदी जैसा रंग, यानी सिल्वर कलर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशि, काम अधिक होगा और काम की अधिकता से आपको परेशानी भी होगी। बेवजह के विवाद इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, शांति रखिएगा। हालांकि एक बात राहत की जरूर है कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनै शराय नमः, तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें हल होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा ऐसा लगता है। काम में आपके मेहनत रहेगी, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और करियर में आपको कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। अगर आप किसी गरीब आदमी को खाने की चीज का दान कर दीजिए तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। यात्राओं से आपको इस समय लाभ होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अपने करियर में कोई भी मजाक, कोई भी लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनै शराय नमः, तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।